दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. एक्चुअली क्या है, हमारा ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के आह्वान पर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उत्तर पश्चिम रेलवे ने 7 दिन का जो प्रोटेस्ट वीक चालू कर रखा है उसमें एक कार्य योजना ये भी थी जिसमें कि हम माननीय रेल मंत्री जी के नाम ज्ञापन पेश करें और उसमें सभी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया जाए, उनके निवारण एवं निराकरण हेतु हमने ये ज्ञापन उनको प्रस्तुत किया है. क्या मांगे थे इसमें? इस ज्ञापन में जैसे कर्मचारियों की NPS की मांग है, एक देश है, एक पेंशन नीति होनी चाहिए, दूसरी निजीकरण सारे सरकारी क्षेत्र है ना जो निजीकरण की ओर धकेले जा रहे हैं वो भी निजीकरण बंद होना चाहिए, ठेका प्रथा आउटसोर्सिंग के ये बंद होना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए, संविदा कर्मियों को स्थायी करना चाहिए, नई भर्तियों का पिटारा खोलना चाहिए, इसके अलावा संक्रमण भत्ता मिलना चाहिए, ट्रैकमैन एवं पॉइंट्समैनों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए. इस प्रकार की काफ़ी समस्याएँ हैं, इनको लेके हमने माननीय DRM साहब के जरिए माननीय रेल मंत्री जी के नाम ज्ञापन पेश किया है. मांगे नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या रखिएगा? वो हमारी फेडरेशन जो तय करेगी उसके अनुसार फिर हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे. आपका नाम? मैं प्यारेलाल बैरवा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन एवं जोनल अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉय यूनियन उत्तर पश्चिम रेलवे. हम तो ले भी ले है ना.